हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मखमली दाल मखनी की रेसिपी। तो आइए देखते हैं इसको कैसे बनाएंगे। इसके लिए मैंने रात में ही एक कटोरी साबुत उड़द और आधा कटोरी राजमा को सोक कर लिया था। अब हम इन दोनों को मिक्स करके कुकर में बॉईल कर लेंगे। साथ ही हम इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे और इसको बॉईल होने के लिए रख देंगे। बॉईल होने के बाद हमारी दाल कुछ इस तरह की दिखेगी। अगर इसके ऊपर आपको काला पानी नजर आता है तो उसे प्लीज रिमूव कर दीजिए। दाल के साथ मैंने लिए हैं यहाँ पे एक चम्मच लाल मिर्च, थोड़ी सी कसूरी मेथी पाउडर, नमक, तड़के के लिए लहसुन, साथ ही अदरक और लहसुन का पेस्ट और टमाटर की प्यूरी तैयार करेंगे। साथ ही मैंने बटर लिया है और आधा कटोरी क्रीम या फ्रेश मलाई। बटर को हम पैन में डालकर इसको अच्छे से मेल्ट कर लेंगे। मेल्ट होने के बाद जो हमने अदरक और लहसुन का पेस्ट तैयार किया है वो इसमें ऐड कर देंगे। ये पेस्ट मैंने घर पे ही बनाया है। अदरक लहसुन का पेस्ट फ्राई कर लेने के बाद अब मैं इसमें ऐड करूंगी एक चम्मच लाल मिर्च। देखिए इसको ऐड करते ही कितना अच्छा कलर आ गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे टोमेटो प्यूरी। प्यूरी ऐड करने के बाद हमें इसे अच्छे से स्टीयर करना है। सभी चीजें आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए। अब हमें इसे अच्छे से फ्राई करना है जब तक कि मसाले में से बटर अलग नहीं हो जाता। ये देखिए बटर अलग हो चुका है मसाले से। अब हम इसमें जो हमने दाल बॉईल करी थी वो मिक्स कर देंगे। दाल को अच्छे से मिक्स करने के बाद हमें इसे हाई फ्लेम पर 4-5 मिनट के लिए पकाना होगा और कॉन्टिन्यूसली चलाते रहेंगे, नहीं तो ये नीचे से लग सकती है। दोस्तों बहुत ही कम मसालों के साथ आज मैं आपको ये दाल मखनी की रेसिपी बता रही हूँ। इसको एक बार आप घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी बनती है। ये देखिए दाल अब हमारी गाढ़ी हो चुकी है। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा नमक। नमक डालते समय याद रखिए हमने बॉईल करते समय भी इसमें नमक ऐड किया था, तो उसको ध्यान में रखते हुए ही हमें इसमें नमक डालना है। अब मैं इसमें एक गिलास पानी ऐड कर रही हूँ। पानी डालने के बाद अब मैं इस दाल को मीडियम फ्लेम पर 10 से 15 मिनट के लिए पकाऊंगी। हमें इसको ढकना नहीं है बल्कि हमें इसे खोलकर ही चलाते हुए पकाना है। ये देखिए दाल का कितना अच्छा कलर आ गया है, ऑलमोस्ट घुट चुकी है अच्छे से। अब मैं इसमें कसूरी मेथी ऐड कर रही हूँ एक चम्मच। कसूरी मेथी हमें ज़्यादा नहीं डालनी है, साथ ही आधा कटोरी क्रीम। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे दाल में। दाल हमारी ऑलमोस्ट तैयार हो गई है। अब हम इसमें तड़का लगाएंगे। तड़के के लिए मैंने यहाँ पे सिर्फ लहसुन का यूज किया है, आप चाहें तो प्याज भी यूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे बटर में थोड़ा सा लहसुन और थोड़ी सी लाल मिर्च डाल करके उसको फ्राई कर रही हूँ। लहसुन ब्राउन हो जाने के बाद इस तड़के को हमें दाल में डालना होगा। इस तरह से तड़का डालने के बाद हमें अच्छे से सारी दाल में से मिक्स कर देना है। गार्निशिंग के लिए मैं यहाँ पे थोड़ी सी क्रीम और धनिया पत्ती यूज कर रही हूँ। तो मखमली दाल मखनी बनकर तैयार है। इसका स्वाद आपको रेस्टोरेंट की दाल मखनी की याद तो जरूर दिला देगा। सो प्लीज शेयर योर फीडबैक। बाय बाय एंड टेक केयर।